Our today task is to do spiral of algebraic expression and identities. This chapter is in class 8th standard. और जो मैंने स्पायरल बोला तो स्पायरल इज ए बुकलेट हैविंग रिवीजन सीट. सो हम रिवीजन सीट जो है वो करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. सो दिस वन अगेन सजेशन और वन टिप्स बिफोर आई स्टार्ट इज कि पहले आप खुद कीजिए देन चेक योर आंसर विद माइंड. ओके तो क्वेश्चन नंबर वन इज expression M1 has one variable, two variable. I hope there is only one variable. So without wasting time, you will do A is the option, is the answer. Now in this case, hame value of x we have to find out. So I hope ye koi problem nahi hai. Minus 5 wahan pe jayega. So 2x is equal to ho jayega 3 plus 5. So 2x is equal to 8 ho gaya. To x ho jayega 8 by 2, yani ki 4 answer aa gaya. आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप रफ कैलकुलेशन यहीं पे कर लीजिए. आई होप टू क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए हमसे पूछा एक्स स्क्वायर एंड एक्स की तो वैल्यू गिवन है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर निकालना है वैल्यू. फिर वाई की वैल्यू कितना गिवन है, माइनस 3. सो मुझे यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर करना है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 9 होगा, तो 9 प्लस 4 13. आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 3 ऑल्सो. क्वेश्चन 4 देखते हैं. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, डिसीजन से पहले आपको ये डिसाइड करना है, एडिशन कर लेनी है. जैसे 2 प्लस 3 ये लाइक टर्म है, एडिशन हो गया. ये ऑलरेडी ऐड नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म है. ये ऑलरेडी अनलाइक है. सो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम जो पहला डिसीजन लेंगे मोनोमियल का वो 5 ए लेंगे. आप बोलो सर 2a प्लस 3a क्यों नहीं लिया, बिकॉज हम डिसीजन जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं आफ्टर एडिशन, पहले नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. देखिए टर्म्स जो होती है ना उसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि उनके बीच में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो. मल्टीप्लाई और डिविजन में टर्म्स अलग नहीं होती, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में तो सिंगल टर्म ही कंसिडर किया जाएगा. तो हाउ मेनी टर्म्स हमसे पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा 1. अगर ये मोनोमियल होता तो भी हम मोनोमियल लिखते. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द कोफिशियंट ऑफ द टर्म. देखिए व्हेन ओनली कोफिशियंट इज टॉक अबाउट वी जनरली राइट न्यूमेरिकल वैल्यू. ये आपको मैं समझा देता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू इस टर्म की क्या है. तो माइन पी की वैल्यू जो है उसके आगे क्या है, यानी कि माइनस 5 है, तो माइनस 5 आंसर होगा. सो आई होप दिस इज द आंसर. नाउ द कोफिशियंट ऑफ टर्म 20. देखिए यहां पे इसको 20 को मैं टर्म को बना लूं, 20 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं. भाई एक्स की पावर 0 तो 1 होती है. तो ये अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका क्या होगा कोफिशियंट, तो इसका कोफिशियंट तो 20 ही होगा. आई कैन राइट 20 इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइक टर्म ऑफ द फॉलोइंग आर. देखिए लाइक टर्म जो होती है ना, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, उनका वेरिएबल सेम है. आपको आई थिंक ये डेफिनेशन आनी चाहिए, जिनका वेरिएबल सेम है उनको लाइक टर्म्स कहते हैं. सो इसमें देखते हैं हम वेरिएबल किस किस में है. ये पी और क्यू है, नहीं होगा. ये एम और एन है, नहीं होगा. ये एक्स और वाई है, नहीं होगा. देखिए यहाँ एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो एक ही बात है. सो दीज टू एलजेब्रा ये दोनों टर्म है वो लाइक टर्म है. आई होप यू आर एग्री विद मी. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. देखिए अगेन 9 में हमसे पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं. ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत आता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे मैं जो आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं ना वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी. अब ये आपको ढंग से समझना है, ए प्लस बी तो 9 है, यानी कि इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर, राइट. इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, आई विल नॉट राइट एनीथिंग एज इट इज, लिख दूंगा मैं इसको. और ए बी की वैल्यू 20 है, सो ये जो टर्म है ना ये 2 टाइम्स ए बी है, तो 2 टाइम्स ए बी यानी 2 टाइम्स 20 हो गया, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, राइट. और ये 2 जब 40 है ना, मैं यहां पे ले आऊंगा तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, आई एफ 41 जो है वो आपका आंसर है. इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 41 विल गेट. अगेन गुड क्वेश्चन, कहता है भी x 3 है एंड y इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मैंने 6 प्लस 3 पुट करा
और ऊपर अगर मैं 6 / 3 करता हूं तो ऑब्वियसली 2 आता है, तो 9, ये तो चेंज हो गया 9 में और ये चेंज हो जाएगा 2 में, तो 9 का स्क्वायर 81। आई होप सी इज द आंसर, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा, लेट मी राइट, आपसे पूछा गया मोनोमियल मल्टीप्लाई, ये मोनोमियल ऑलवेज गिव, कभी कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 7x मोनोमियल है और 3x से मल्टीप्लाई किया मोनोमियल से तो 21x स्क्वायर आया, तो 21x स्क्वायर तो मोनोमियल ही है, तो भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल इज मोनो बाई मोनोमियल इज मोनोमियल ओनली। अगेन देखिए, सम ऑफ बाइनोमियल एंड अनदर बाइनोमियल, बाइनोमियल को बाइनोमियल में ऐड करें तो ये कहता है मोनोमियल हो सकता है क्या, बाइनोमियल हो सकता है क्या, ट्राइनोमियल हो सकता है। सी, ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं और नहीं भी, वी कैन नॉट से। आप बोलोग सर कैसे समझाऊं, भाई क्वेश्चन है मान लो x माइनस वाई, राइट, और यहां पे x प्लस वाई, ये दोनों बाइनोमियल हैं, इनको अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो देखिए ये दोनों एडिशन करने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2x बचा, इस केस में तो मोनोमियल आ रहा है। बट एक और भी केस है, मान लो एडिशन में ऐसी टर्म्स हो कि एक्स यहाँ पे हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इनको एडिशन करेंगे तो ये तो ट्राइनोमियल का ही तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है कांट से, कुछ भी आ सकता है, मोनोमियल भी आ सकता है, बाइनोमियल भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी। नेक्स्ट ले लेते हैं 13th क्वेश्चन। ए पॉलिनोमियल इज इन एलजेब्रिक, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की बात कर रहा है। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, मैंने ये कहा था जिसकी पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नेगेटिव पावर का हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंटीग्रल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ये भी नहीं हो सकता। रेशियल नंबर भी में फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये बताई थी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 ये है तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर ये -2 है तो ये नहीं होगा, मान लो -2 + 3 होता तो। और अगर फ्रैक्शन भी है 1/3 और ये 8 है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। हमसे पूछा भी पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर, ईच साइड ये है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ईच साइड अगर x बाई 4 है और 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो x आना चाहिए, बट ये तो 4x कह रहा है, डेफिनेटली इसको मैं फॉल्स लिखूंगा। लेंथ ब्रेड्थ दे रखा है हमें, एरिया इसके बराबर है, बिल्कुल अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b² - 9 ही आएगा। आई विल राइट ट्रू, ये मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से करा है। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए x की पावर 2 और x की पावर, अच्छा ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 3 आएगा, 3 तो नहीं आएगा क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो आई विल राइट फॉल्स हियर। नाउ इज ए मोनोमियल, दैट डेफिनेटली ये मोनोमियल क्यों आएगा, आप देखिए जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मैंने 2 1 जा और 2 8 जा, यानी कि 8xyz आया, तो 8yxz तो मोनोमियल ही है, तो यहां पे ट्रू मैं लिखूंगा। डिवीजन से मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल डिसाइड नहीं होता, प्लस और माइनस से बेसिक होता है। लेट्स गो फॉर द 10th क्वेश्चन। देखिए HCF की बात करनी है लग गया है, ये कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है इन तीनों टर्म्स में व्हाट इज कॉमन, तो ये आपको मैं आंसर 3x लिख देता हूं। क्वेश्चन है सर 3x कैसे आया, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो 3x है ये इसमें भी प्रेजेंट है, आप बोलोगे कैसे सर, इसको मैं लिख सकता हूं 3x मल्टीप्लाई बाई 2xy, 6x² बन जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट है कैसे, 3x मल्टीप्लाई बाई 3y और 3x ये भी, ये तो HCF होता है ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो ये मैंने तरीके से निकाला है। वैल्यू ऑफ दिस, देखिए ये आइडेंटिटी आपको मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है, कौन सी आइडेंटिटी है, एक बार तो प्लस कर दीजिए, ये a² - b² वाली आइडेंटिटी है, और एक बार जो है वो माइनस हो जाएगी, तो प्लस किया तो इसका आ गया 200 और माइनस किया तो इसका आ गया 2, तो मेरा 400 आंसर आया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ हमसे पूछा गया है कि भाई इनको अगर एडिशन करते हैं x² और दिस 2x में, 2x इज ए ओके, ये तो पॉलिनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल की क्वेश्चन है। देखिए इसमें लाइक टर्म है 2x और 3x, तो ये 3x जो है ना वो ऐड हो जाएगा 2x, और बाकी तो एडिशन कर ही नहीं सकते। अब ये हमसे पूछा है इज ए, तो भैया ये तो ट्राइनोमियल है तो मैं लिख दूंगा इज ए ट्राइनोमियल।
नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. इसको डिवीजन किया है, तो डिवीजन करना आई होप आपको आता है. 20a² जो है वो मैंने डिवाइड किया है 5a² से, राइट. अब आ जाता है 4a की पावर 4. कैसे किया मैंने, 5 1 जा 5 4 जा, और ये पावर मैंने माइनस कर दी इन दोनों को एक्सपोनेंट में, आपने 6 में से 2, तो 4a की पावर 4 इज द आंसर. नाउ दीज आर द आइडेंटिटी. आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर स्पाइरल. एंड आइडेंटिटी आपको लिखनी है, तो यू विल राइट यूर ओन. मैं लिख देता हूं, ये 2ab+ का होता है इस आइडेंटिटी में. इस आइडेंटिटी में सिर्फ एक ही चेंज है, -2ab होता है. और लास्ट में थर्ड आइडेंटिटी है, ये a+b और a-b. आई होप दिस इज द आंसर. विद दिस आवर वीडियो इज ओवर. थैंक यू वेरी मच.